हमेशा की तरह इस बार भी दीपावली के त्योहार पर सक्रिय हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की दो अलग अलग टीमों द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते अधिकारियों को देखकर मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। दीपावली और मिलावटखोरों की सक्रियता को देखते हुए शहर और देहात दोनों जगह ताबड़तोड़ छापों से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने शहर में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के मुख्य बाजार सुभाषगंज में सुबह सुबह छापा मारकर एक मसाला कारोबारी को रंगे हाथ पिसी मिर्च में मिलावट करते पकड़ा। खाद्य विभाग के अधिकारी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार, कपिल गुप्ता, उपमा यादव और विजय बहादुर की टीम सुबह लगभग 8 बजे सुभाषगंज बाजार पहुंची और मौके पर भूरे रंग और लाल रंग दो अलग अलग रंग का मिर्च पाउडर मिलाते हुए खाद्य कारोबारी गोविंद सिंह खुराना से जब टीम ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो वहां एकदम से सकपका गया। अचानक से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सामने देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टीम ने मिर्च पाउडर और हल्दी के नमूने भर लिए हैं। मौके पर पाए गए बाकी लगभग 1 क्विंटल से अधिक मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक लगाते हुए सीज कर दिया है। लगभग 21 किलो पिसी हल्दी भी मौके पर सीज की गई। दोपहर बाद इसी टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सदर स्थित शिव भोला स्वीट्स पर छापा मारकर रसगुल्ला और सोन पपड़ी के नमूने लिए। वहीं दूसरी टीम ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में मऊरानीपुर में हरिश्चंद नगरिया के प्रतिष्ठान मेसर्स गोपाल दास नगरिया पर छापा डालकर सरसों का तेल व ब्लेंडेड ऑयल का नमूना लिया। तेल के मिलावटी व मिथ्याछाप होने के संदेह पर मौके पर लगभग 80 लीटर सरसों का तेल एवं 180 लीटर ब्लेंडेड ऑयल अनुमानित मूल्य 19,000 रुपये सीज कर दिया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक के लिए विक्रय पर रोक लगा दी और तेल को खाद्य कारोबारी और हरिश्चंद्र के सुरक्षित अभिरक्षा रखवा दिया। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, दिव्या त्रिपाठी, आजाद कुमार एवं खाद्य सहायक भवर सिंह शामिल रहे। टीम के मऊरानीपुर कस्बे में पहुंचने की सूचना लगते ही खाद्य कारोबार के प्रतिष्ठान धड़ाधड़ बंद हो गए। खाद्य अधिकारी राजेश द्विवेदी ने इस दीपावली के त्यौहार पर जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि चमकीली और रंगीन मिठाइयों से बचे क्योंकि मिलावट करने वाले कारोबारी इसकी आड़ में मिलावट को छुपाते हैं। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।